गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग कॉन्टेम्परी इंडिया सेकेंड का ये थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो हमारा नया चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, कैसे हमने इस दुनिया को बनाया, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। वी डिस्कस अबाउट द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। व्हेन वी टॉक द ग्लोबलाइजेशन, वी ऑफन रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ इमर्ज सिंस ऑफ द लास्ट 50 ईयर्स और सो। जैसे अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन के थ्रू देखें तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो लगभग 50 साल पहले से चल रहा है। बट एज़ यू विल सी इन दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। लेकिन आप इस चैप्टर में ऐसा देखेंगे कि जो ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने के लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री हमारे पीछे ऑफ ट्रेड, कैसे आयात और निर्यात होता था, माइग्रेशन, कैसे लोग इधर से उधर जाते थे, और द पीपल इन द सर्च फॉर वर्क, काम को ढूंढने के लिए, द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल एंड मच एल्स, और जो कैपिटल्स का मूवमेंट था चीज़ वो कैसे होता था। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड द विजिबल साइंस ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस इन आवर लाइफ टूडे, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेस थ्रू विच दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज़ इमर्ज। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि लोग कैसे व्यापार करते थे, कैसे इधर से उधर जाते थे व्यापार के लिए, तो ये सब जानने के लिए हमें ये आज के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ऑल थ्रू हिस्ट्री, सब हिस्ट्री के थ्रू है, इतिहास है सब हमारा। ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड, जो ह्यूमन सोसाइटी हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी फ्रॉम एंशियंट टाइम, पुराने समय से। ट्रेवलर, ट्रेडर्स, पर्सेस एंड पिलग्रिम ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस फॉर द नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड द स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने इतिहास की बात करते हैं, जो लोगों की सोसाइटी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जो पुराने समय के जो ट्रेवलर थे, जो यात्री थे, या फिर हम कह दें जो व्यापार करने वाले थे, पर्सेस मतलब साधु संत, ये सब दूर दूर जाते थे, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस को कवर करते थे, केवल किस चीज़ के लिए, नॉलेज के लिए, अपनी उम्मीदों को बढ़ाने के लिए, अपॉर्चुनिटी अपने काम को बढ़ाने के लिए, एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मतलब अपनी भक्ति को जगाने के लिए, कि दूर दूर जाते थे ये लोग, क्योंकि पहले ऐसा कोई साधन नहीं था कि ट्रेन, बस, हेलीकॉप्टर ये सब चलते हों, तो ये लोग सब एक ग्रुप में चलते थे और जहाँ जाते थे वहाँ की अच्छी संस्कृति को ये देखते थे और उन पर किताबें भी लिखते थे। सब पहले ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ये अब इसमें ये कह रहे हैं, द कैरेड गुड्स, मनी, वैल्यूएबल स्किल, आइडिया, इनोवेशन एंड द इवन द ग्राम एंड डिजीजेज, ये अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आते थे, मनी, बहुत सारी चीज़ों सीख कर आते थे, और तो और ये साथ में अपने जम्स और बीमारियां भी लाते थे। ऐसा तो नहीं है कि जिस देश में जाते हैं, जहाँ जा रहे थे, साफ़ सफाई होगी, सिर्फ पैसा ही मिलता था। भाई जब ये दुनिया घूम रहे हैं तो इनके साथ बीमारियां भी आती थी। एज अर्ली एज 3000 BC एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड linked the Indus Valley civilization with the present day West Asia. For more than a millennium, couriers, the Hindi kovids or shishals used to form of currency. हिंदी में इसे करेंसी मतलब पैसे के उससे जाना जाता था। जैसे कि 3000 BCE का मतलब तो आप सब लोग जानते ही होंगे क्या है, बिफोर क्रिस्ट एरा, मतलब जो हम लोग जब भी यहाँ कंसीडर करते हैं हिस्ट्री में, तो कृष्ण बर्थ से मतलब जो कृष्ण भगवान है उनकी बर्थ से पहले और बाद की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसे जो हम कह रहे थे, फॉर मालदीव फाउंड देयर वे टू चाइना टू ईस्ट अफ्रीका, द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, जब लंबी डिस्टेंस होती हैं तो चारों तरफ बीमारियाँ भी होती, कैरिंग जम्स और कुछ जम्स को लेके आती हैं, मे बी ट्रेस एज फ्रॉम बैक एज द 17th century, बाय द 13th century इट हैड बिकम अ अनमिस्टेकेबल लिंक, और 13th century तक अनमिस्टेकेबल लिंक हो गए। जैसे कि अभी आजकल देख ही रहे हैं COVID-19 के थ्रू, जैसे चाइना से COVID-19 आया है, तो उसके ऐसा तो है नहीं कि उड़ के चला आया, कुछ ट्रेड्स वहाँ के लोग इफेक्ट हुए और जिस जिस कंट्री के लोग वहाँ रहते थे
सब एक दूसरे से टच हुए और उसके थ्रू ये बीमारी फैल गई। सेम विद द पुराने भी समय में ऐसे ही होता था कि जो बीमारियां वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ जाती थी, उसे आज भी हम नहीं रोक पा रहे हैं और तब भी नहीं रोक पाते थे। ये कुछ डायग्राम हैं जो पुराने उसके थे। ये इमेज है एक शिप की जो कि मेमोरी है स्टोन की, गोवा गोवा म्यूजियम में है, 20th सेंचुरी की है। फिर हमारा आता है स्किल रूट लिंक द वर्ल्ड। ये क्या बता रहा है आपको? द रूट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वेरियंट प्री मॉडर्न ट्रेड। ये जो स्किल्स जो हम डेवलप होती हैं, हम लोग जो सीखते हैं, वो मॉडर्न ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छी थी। एंड द कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंस पाथ ऑफ द वर्ल्ड, और जो कल्चरल लिंक थी वो भी बहुत अच्छी थी दुनिया के लिए। द नेम सिल्क रूट्स पॉइंट टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। हिस्टोरियन हैज़ आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स, जो इतिहास में कई लोगों ने सिल्क रूट्स के बारे में बात की है, ओवर द लैंड एंड द बाय द सी, और लेके वहाँ से आए हैं, चाहे तो वो भूमि के ज़रिए लाए हों या फिर समुद्र के ज़रिए। निटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थन अफेरिका, दे आर नोन टू हैव एग्जिस्ट सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड ट्रीविड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। बट चाइनीज पोइट्री ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्राम सम रूट एज डिड टेक्सटाइल एंड स्पीसीज फ्राम इंडिया एंड साउथर्न ईस्ट एशिया। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर फॉलोड फ्राम यूरोप टू एशिया। ये कह रहे जहाँ भी गए, अगर हम लोग ये हिस्ट्री की बात करें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की या क्रिश्चियन एरा से पहले, तो वहाँ की चीज़ों को हम यहाँ लेकर आए और डेवलप करा। जब लेकर आए तो टेक्सटाइल स्पीशीज़, स्पाइस मतलब मसाले लेके आए, और हमने बहुत सारे प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये भी सब एशिया आए। ट्रेड एंड कल्चर, कैसे वहाँ का ट्रेड आयात शुरू हुआ और कल्चर के कैसे शुरू हुआ। एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड टू हैंड, मतलब जब कोई भी चीज़ एक्सचेंज होती तो हाथों हाथ, जैसे आपने दिया और उन्होंने लिया या उन्होंने दिया आपने लिया, इस तरह होती थी। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल दिस रूट टू एशिया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इस रूट के थ्रू इंडिया आते थे। एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरी लेटर, बिफोर मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज्म, उसके बाद क्या बुद्धिज्म आने लगे, इमर्ज फॉर द ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया आए एंड स्प्रेड इन अ सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द सिल्क रूट। और वो बहुत सारे डायरेक्शन में गए इंटरसेक्ट करते हुए जो सिल्क के रूट बनाए गए थे उसके थ्रू। अब हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में, इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे फूड ट्रेवल एंड अदर टॉपिक्स।